Hello friends, my name is Acharya Nachan, and today we'll be looking at the major thing which is happening in Tata Steel. Tata Steel में लगभग 13 तारीख को एक breakout pattern बना और price volume breakout के बाद Tata Steel इस समय के ऊपर लगभग 529 के ऊपर चल रहा है और यहाँ पर इसने एक इम्पोर्टेंट पिविट को ब्रेक किया है. सो लेट सी व्हाट्स हैपनिंग हियर. दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिविट एट 503. स्मॉलर पैटर्न्स के अंदर अगर हम देखें तो सॉरी लार्जर पैटर्न्स में अगर हम देखें तो लास्ट टाइम टाटा स्टील का जो हाई था वो 645 के आसपास था. सो और यहां से फिर इसने एक लो लगाया था अप्रोक्सीमेटली 251 के आसपास और 250 के आसपास. ऑन द गैन लेवल नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि टाटा स्टील इस समय के ऊपर 4:1 एंगल को क्रॉस कर चुका है. दैट मींस इन ऑल प्रोबेबिलिटीज, एक मिनट ये वॉल्यूम चार्ट हटा देता हूं सो दैट यू कैन सी इट वेरी क्लियरली. सो ये पैटर्न ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट जो लेवल आता है टाटा स्टील में वो 578 के आसपास आता है. वो ये पिविट है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग पिविट बनती है यहाँ पे, और ये वैल्यू भी 564 के आसपास आती है. तो फर्स्ट लेवल इज 564 और 564 को इस टॉप से भी रेजिस्टेंस मिला था और इस फॉल का भी ये एक सपोर्ट था. इसके बाद टाटा स्टील के अंदर 564 के बाद एक बिल्कुल स्मॉल इजी लेवल है विच इज अप्रोक्सीमेटली हियर 608 के आसपास. सो इन एनी केस टाटा स्टील डेली चार्ट के ऊपर काफी बुलिश नजर आता है. लेट अस सी व्हाट्स हैपनिंग इन द बोलिंजर बैंड. बोलिंजर बैंड के अंदर ये आउट ऑफ बैंड है. द प्राइस इज आउट ऑफ बैंड. आउट ऑफ बैंड जाने के बाद कई बार ये होता है या तो बैंड एक्सपेंड होता है या फिर प्राइस बैंड के अंदर वापस आकर डिले पैटर्न बनाता है. इन एनी केस इट इज गुड. और अगर हम देखें मैकडी लेवल के ऊपर भी तो मैकडी लेवल के ऊपर भी ब्रेकआउट पैटर्न्स यहां से बन चुका है और हाई वॉल्यूम बार्स भी बन रही हैं ऑन दी अपर साइड. और अपर साइड के अंदर जब भी क्रॉसओवर आता है तो वो एक बहुत लॉन्ग टर्म और बुलिश पैटर्न बन जाता है. लेट अस सी व्हाट इज द हेल्थ ऑफ मूविंग एवरेजेस देयर. मूविंग एवरेजेस के अंदर 9 डे का एवरेज अप्रोक्सीमेटली 478 के आसपास है. सो 21 डेज का एवरेज 439 काफी बिलो है और 50 डे का एवरेज भी काफी लोअर साइड पे है. और जो ये पुल अप हुआ था इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से 21 डेज के एवरेज ने 50 डेज के एवरेज को काटा था. दैट मींस इट इज अ वेरी बुलिश पैटर्न व्हिच हैज हैपेंड. एंड लेट अस सी इन द लास्ट इफ वी कुड फाइंड सम गुड इंफॉर्मेशन फ्रॉम 100. ओ अगेन इट इज वेरी डाउन. सो दैट सिंपली मींस कि इट इज ऑन ए वेरी बुल साइड और अप साइड ऑफ द मार्केट. एंड आवर फर्स्ट टारगेट इज ऑलरेडी अचीव्ड. That is 530. My second target for this share would be 565. And still, if it continues as a swing pattern, it will be go to 608. Let us go for the weekly chart. Okay. So this is the weekly chart. Same thing is happening as you can see in weekly chart. The level of 565 is very much possible on the weekly level. Yes, on the weekly level also, Bollinger Band से काफी बाहर है, averages को cross कर चुका है,
और 100 डेज के एवरेज पे जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्रॉसओवर भी लास्ट 2-3 डेज के अंदर एक फॉर्मेशन हुई है विच हैज क्रॉस्ड दिस लेवल। सो इन माय ओपिनियन टेक्निकली टाटा स्टील इज वेरी बुलिश अकॉर्डिंग टू मी, एंड वी कैन सेफली हैव ए स्विंग ट्रेड अप टू 565, एंड इफ दिस रैली कॉन्टिन्यूज देन वी कैन इवन थिंक ऑफ गोइंग टू 606 एंड अबव। इन द लास्ट आखिरी में एक बार डायरेक्शनल मूवमेंट्स भी देख लेते हैं। डायरेक्शनल मूवमेंट्स में अगर हम 1 डे चार्ट के ऊपर देखते हैं, ब्यूटीफुल पैटर्न, जस्ट सी हाउ सॉलिड एंड कंफर्म्ड इट इज। फ्रॉम 23 इट हैज राइजन टू 42, वाओ ग्रेट। और पूरी तरीके से एडीआई प्लस हमारा अप ट्रेंड के अंदर है। सो ऐसे समय में एक बार आरएसआई भी देखना जरूरी हो जाता है। आरएसआई इज अबाउट 82। सो यस इट इज ऑन अ बुल साइड अकॉर्डिंग टू आरएसआई, डीएमआई, बैंकटी, बॉलिंजर बैंड्स, मूविंग एवरेजेस एंड फैन। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ सेफ ट्रेड, कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 505 फॉर इट, और 505 का स्टॉप लॉस रख के यू कैन गो फॉर द बाइंग साइड। थैंक यू फॉर दिस अटेंशन।